हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है डे टू हमारी ट्रिप, इटली की ट्रिप का। हमने सुबह 9:40 के 9:20 के टिकट खरीदे हुए थे वेटिकन के, बट अभी 10 बज चुके हैं। हम लोग अभी अभी उठे हैं। अभी पहले हम नाश्ता वास्ता करेंगे होटल में, और उसके बाद फिर तैयार होते हैं और निकलते हैं, और होप करते हैं वो हमें घुसने दें उन्हीं टिकट्स पे। तो चलो चलते हैं और नाश्ता करते हैं। तो हमने ये केक्स वगैरह, क्रोज़ा वगैरह, बेकरी आइटम रखे हुए हैं, और ये देखिए जैम वैम पड़े हुए हैं काफ़ी टाइप के, और ये है दूध और थोड़ा सीरियल, और यहाँ पे पड़े हैं थोड़े बन, यहाँ पे ने स्क्रैम्बल्ड एग रखे हुए हैं, बॉइल्ड एग रखे हुए हैं, और बेकन, ये ग्रीन और चीज़ वगैरह, ये है योगर्ट और फ्रूट्स। तो ठीक ठाक चॉइसेस थी। मैंने योगर्ट लिया है, ये वेजिटेरियन सेक्शन, वीगन सेक्शन से कुछ कुछ उठाया है, और फ्रूट्स लिए हैं। तो चलो इसे खाते हैं और इसके बाद तैयार होते हैं। तो लगभग 12 बज रहे हैं, हम लोग अभी निकल रहे हैं वेटिकन सिटी के लिए। तो हम बस ये फिगर आउट कर रहे हैं कि पूरे रास्ते गाड़ी से जाएँ या ट्रेन से कर लें, क्योंकि पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था और पार्किंग की भी जगह नहीं मिली थी। तो हम बस यही फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करें। तो अभी करंट प्लान ये है कि आधा रास्ता गाड़ी से जाएंगे और फिर ट्रैम लेंगे, ताकि पार्किंग इश्यूज ना हो। देखते हैं अभी। तो यहाँ पे पार्किंग ढूंढते हुए काफ़ी एफर्ट लगता है हमारे को। एकदम सेफ़ पार्किंग तो नहीं मिली, जैसे पार्किंग स्पॉट्स एक जगह वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, बट हमने देखा कि भाई यहाँ पे काफ़ी सबके पास जाने की जगह है ही, और ये 24 आवर पार्किंग थी, तो हमने लगा दी भाई। अब आएंगे 2-3 घंटे बाद और फिर फिगर आउट करेंगे कि देखते हैं क्या हुआ, तो उठा उठा के ना ले जाए बस। अभी अपन जा रहे हैं ट्रैम स्टेशन और लेते हैं ट्रैम। तो अभी हम पहुंच गए हैं ट्रैम स्टेशन, और लगभग ट्रैम आ गई है। अगर आप दूर देखें तो आपको ट्रैम दिखेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये नहीं पता कि ट्रैम में पे कैसे करना है, तो हम सोच रहे हैं एप्पल पे चल जाए तो बढ़िया होगा, वरना हो सकता है मैं धक्के मार के निकाल भी दिया जाए। अपन अभी बैठ गए ट्रैम के अंदर, और यहाँ पे हमने एप्पल पे से पे किया। 11 स्टेशन के बाद पहुँचते हैं जहाँ जाना है हमें। तो हमने अभी ट्रैम पकड़ी थी, बट हमने अपोजिट साइड की पकड़ ली थी, तो ये थोड़ा केयरफुल रहने वाली चीज़ है। अभी देखते हैं दूसरी साइड की ट्रैम कैसे लेनी है। तो अभी हमारे को ट्रैम लेने नदी के अपोजिट साइड जाना है। तो ये है इनकी मेन रिवर, इसको बोलते हैं रिवर टाइबर या टिबर। तो सारा का सारा जितना भी एंशेंट रोमन में ट्रेड होता था वो सारा इसी रिवर के थ्रू होता था। अभी इस पर ब्रिजेस बने हुए हैं, और हम इसको पार कर रहे हैं और दूसरी साइड जा रहे हैं, ताकि हम ट्रैम ले सकें। काफ़ी घूम घुमा के हमने ऊबर करा लिया, अब ऊबर लेके वेटिकन सिटी जाते हैं, और फिर देखते हैं 12-13 मिनट में पहुंचा देगा ऊबर। तो काफ़ी फास्ट मीडियम भी लगा, यहाँ पे टैक्सी का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और बहुत ही लंबी लाइन है, बट हमारे पास टिकट्स हैं तो हम दूसरी छोटी वाली लाइन से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम वेटिकन सिटी एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे एकदम नॉर्मल चेक्स वेक्स हैं प्रॉपर। तो हम बस अंदर घुसते हैं अभी यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पार करके। तो हम एंटर कर गए हैं, अभी यहाँ के वेटिकन म्यूजियम्स में चलते हैं। ऐसे करके गोल गोल घूम के जाना है हमें ऊपर। तो एंट्रेंस में तो इन्होंने बहुत सारी हज़ारों नाव लगा रखी हैं। अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये सेंट्रल पार्ट है एकदम म्यूजियम का, एकदम ओपन है। उस साइड शायद ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स होंगे, अभी हम उस साइड जाएंगे। जो लोग ये झंडा लेके घूम रहे हैं ये गाइडेड टूर वाले लोग हैं, और हर गाइड टूर का अलग कलर का झंडा है, तो वो अपने अपने गाइड के पीछे घूम रहे हैं सब। ये देखो आप, यहाँ पे हज़ारों स्टैचूज हैं। सारे के सारे अलग अलग एम्परर्स हैं, जैसे कि ये एम्परर के साथ इनका डॉग है, तो ये कुछ है, ये उनके जो भी फेमस लोग थे
जैसे ओरेटर्स वगैरह जो भी उनके राज में जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे उनके स्टैचूज हैं। ये स्टेयरकेस कितना ब्यूटीफुल है। बहुत ही सुंदर छत वगैरह बना रखी है इन्होंने। तो ये उस समय की राजगद्दी है। ये देखो, ये एक बहुत ही बड़ा पानी रखने वाला है, मैं पता नहीं शायद होली वाटर वगैरह कुछ रखते होंगे। ये देखो पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से। स्टैचू वगैरह तो बहुत पुराने हैं, टूटे हुए हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ग्रीक और रोमन एंटिक्स के सेक्शन में। ये देखो एक टब पड़ा है जिसमें वो लोग नहाया करते थे। ये जो है ये इनका रिवर गॉड है। इसीलिए आप देखोगे सारे टब वगैरह सब इसी एरिया में पड़े हुए हैं। ये आर्टवर्क कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये हम आ गए अंदर। यहाँ पे दो सेक्शंस हैं, तो गैलरीज जो स्टार्ट हुई हैं। ये थोड़ा इस टाइप का सेक्शन है, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह पड़े हैं बहुत टाइप के सारे। ये जो राजा था और उसके जितने भी एनिमल थे जैसे घोड़े वगैरह ये सब। ये छत देखिए, जब हम आर्ट म्यूजियम गए थे और हम पेंटिंग्स देख रहे थे माइकल एंजेलो की, तो माइकल एंजेलो इधर आया था और क्राइस्ट को स्टडी उसने यहाँ पे किया था। यह दूसरी साइड से भी हो। अभी हम नेक्स्ट रूम में आ गए हैं। ऊपर से एरिया सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए इजिप्शियन स्पिंक्स जैसे लग रहे हैं। अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं जहाँ पे हम थे, कि जो कप हमें नीचे से दिख रहा था वो ये रहा। और ये ऊपर से नीचे का व्यू है। अंदर छोटे छोटे और म्यूजियम्स भी हैं जहाँ पे रिलिक्स वगैरह और जैसे घड़े वगैरह पड़े हैं। ये वो जो कार्ड टाइप कुछ पड़ी है यहाँ पे। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे सब कुछ इटालियन में लिखा है, तो ज़्यादा समझ आ नहीं रहा। तो जो मैं नीचे सिस्टीन चैपल बता रहा था वो शायद म्यूज़ियम का ही पार्ट था, या फिर वो शायद एंट्रेंस थी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टीन चैपल के लिए एरोज वगैरह बने हुए हैं, तो शायद इस पार्ट में नहीं सिस्टीन चैपल। छत पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखी है। देखो साइड में भी बहुत सारे रिलिक्स वगैरह पड़े हैं। ये उसी में नेक्स्ट पार्ट है। जैसे ये छत वाली पेंटिंग में देखिए, इसका ड्रेस का डिटेल देखिए। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस सेक्शन में एकदम जैसे कारपेट के ऊपर इन्होंने आर्ट करी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, एंड ऑफ कोर्स छत वगैरह तो डेकोरेटेड है ही। तो इसको क्लोजली देखते हैं। ये देखो ये वाली लगभग सबसे बड़ी है। तो इन सब में बिब्लिकल स्टोरीज ही है ना। तो जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर वाला है, इसमें जब वो जीसस को मानते हैं कि वो मर के ज़िंदा हुए थे, तो उसकी स्टोरी इन्होंने दिखाई है।
काफ़ी ज़्यादा सुंदर था ये सेक्शन। अभी नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो साइड में आर्ट है और छत पे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है। मैं क्लोजली दिखाता हूँ, ऐसा बहुत ज़्यादा दूर तक है। हाँ, तो इस छत को कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये है एक्चुअली सिस्टीन चैपल की एंट्रेंस, बट इसमें हम थोड़ा घूम के आएंगे। अभी राइट साइड चलते हैं और गैलरीज देख के आते हैं। ये बेसिकली एक पेंटिंग गैलरी है। ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ये एक पोलिश जनरल के बारे में है जिससे अभी इतना फ्री हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, इस पे हम आ गए हैं। यहाँ का भी आप आर्किटेक्चर देखिए, छत देखिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंट किए हैं इन्होंने दीवारें वगैरह। तो ऐसा लग रहा है कि अभी चार स्टेजेस बाद चैपल है, सिस्टीन चैपल। ये दूसरा चैपल है, इसमें एंटर कर रहे हैं। ये देखिए पोप की ड्रेस। ये हम पहुंच गए हैं सिस्टीन चैपल में। तो अभी हम निकल रहे हैं सिस्टीन चैपल से और काफ़ी मतलब हम फोटो वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप है, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मतलब उतना ग्रैंड नहीं था जितनी हमने पहले चीज़ें देखी। तो इतनी चीज़ें देखी कि मैं ऑलमोस्ट अब थक चुका हूँ देख देख के। अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं यहाँ पे और क्या करना है। सुंदर तो सब कुछ है यहाँ पे, बट वही है कि एक तो इतना चल रही है तो भी थक गया हूँ और तो प्लस थोड़ा सिमिलर टाइप की चीज़ें ही आ रही हैं बार बार। लास्ट में कुछ शॉप है वगैरह है और यहाँ से बस एग्जिट है। तो चलो जी अब चलते हैं बाहर। ये देखिए रोमन चेस सेट, देखिए देखिए ये एकदम 3D में है। तो अभी हम यहाँ पे कैफेटेरिया पिज़्ज़ेरिया जा रहे हैं। ये एक और दूसरी कंट्री बन जाएगी जहाँ हमने कुछ खाया हुआ है। तो हमने ऑर्डर तो दे दिया है बट ये बोल रहे हैं भाई कैश दो, कैश हम पे है नहीं। तो ये देख रहे हैं कि क्या जुगाड़ हो सकता है। अच्छा, हमने लिया पनीनी फ्रूट्स और पानी, अभी से खाते हैं। ये बहुत छोटी सी कंट्री है ना, तो ये इसका पोस्ट ऑफिस है वेटिकन पोस्ट नाम से। तो चलो चलते हैं नीचे और एग्जिट करते हैं एरिया। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये ईस्टर के लिए है भीड़। हम लोग वेटिकन सिटी से बाहर आ गए हैं, अभी हम इटली में हैं वापस। और चर्च बंद है क्योंकि आज ईस्टर डे था, तो हम दोबारा आएंगे चर्च पे। तो भाई ये देखो पुलिस वाले अल्फा रोमियो में घूम रहे हैं एकदम बढ़िया। तो हम वापस वेटिकन में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने कोई सा प्याजा और क्या बोलते हैं बेसिलिका वगैरह इस इधर ही है। तो चलते हैं इधर देखते हैं क्या क्या है। तो ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका का कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बड़ा चर्च है, बहुत ही बड़ा चर्च है। अंदर भी जा सकते हैं वैसे नॉर्मली, बट अभी ईस्टर है तो ये बंद है। अब देखोगे कि इस तरह के चक्कर में बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे और यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो गुड रिलीजियस उस पर्पजेस के लिए सामने एकदम फाउंटेन रखा है। ये एकदम कैप्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, मतलब पोप यहीं बैठता है इसी चर्च में। ये देखो यहाँ पे टीवी लगा हुआ है और ये दिखा रहे हैं अंदर का। तो हम एकदम सामने खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अंदर, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि इन्होंने अभी अभी वीडियो में दिखाया था, तो काफ़ी सुंदर है ये भी, देखने लायक लगेगा डेफिनेटली। ये देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ तो ईस्टर की सेरेमनी चल रही है अंदर। ऐसा लग रहा है कि सामने अगर आप देखोगे रेड में तो सारे के सारे प्रीस्ट वगैरह हैं, और साइड में भी शायद क्वायर वगैरह है। देखिए ये पोप हैं, और पोप व्हीलचेयर पे हैं, अभी काफ़ी ओल्ड हैं, तो ये चल रहे हैं अंदर ईस्टर की सेरेमनीज के लिए। ये पोप बैठे हैं और उनके बगल में हाई प्रीस्ट वगैरह हैं। तो वैटिकन की पॉपुलेशन सिर्फ 764 लोग हैं, 760 लोग लगभग, तो वो लोग यहाँ इन जगहों पे रहते हैं। ये नीचे इन्होंने थोड़े कैफ़े वगैरह ये सब भी खोले हुए हैं, और हो सकता है सब रेंटेड होंगे, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़े हैं। और ये हैं घर, यहाँ पे ये जो 700 लोग हैं इस कंट्री के सिटीज़न वो यहीं रहते हैं। ये देखिए वैटिकन के अंदर कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसी भी है, जैसे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के फ्लैग्स लगे हुए हैं, और भी कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं आगे। तो ये इस छोटे से एरिया में ये एम्बेसीज हैं। ये देखिए बाकी एम्बेसीज। ये देखिए, ये मैं वैटिकन से शूट कर रहा हूँ, और जो हमारे को कैमरा में दीवार के पीछे दिख रहा है वो इटली है। तो ये है सेंट एंजेलोस कासल, ये भी वैटिकन का ही पार्ट है। अभी हमारे पास सुबह की टिकट थी इसकी, बट अभी हम इसमें जाने की ट्राई करेंगे, तो देखते हैं हमें जाने देते हैं। तो पहले के टाइम में कैसा रहता था यहाँ पे, अगर जैसे वॉर वगैरह हो जाती थी तो पोप वगैरह सब इधर आ जाते थे। तो हम आ गए हैं कैसल के अंदर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना पत्थर गिर जाते थे, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ही जाली लगा दी। तो आप देखो इसमें पत्थर छोटे मोटे गिरे हुए रहते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा कुछ, बट अभी हम इनकी बेसमेंट में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से क्या है। तो पूरा सर्कुलर स्टाइल में है, अब यहाँ से हम लोग क्लाइंब शुरू करेंगे और ऊपर जाते हैं कैसल में। जो ऊपर आके कमरे थे इन्होंने आर्ट गैलरीज में कन्वर्ट कर दिए। सारी चारकोल पेंटिंग्स लगा रखी हैं यहाँ पे, इन्होंने कुछ बंदूकें और तोपे वगैरह भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे वो जो पोप है वो बैठता होगा, और ये एरिया है जो उसकी जनता के लिए रहता होगा। ये तो काफ़ी सुंदर है। अभी एकदम टॉप पे चलते हैं और देखते हैं सिटी का व्यू कैसा है। ये इन्होंने कैसल का स्ट्रक्चर बना रखा है एकदम ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, अभी हम एक खिड़की में जाके देखते हैं। तो ये पूरा सिटी का व्यू आ रहा है यहाँ से। सामने वो बैसिलिका दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इन्होंने यहाँ पे कैफे भी बना रखा है बहुत बढ़िया सा, थोड़ा मॉडर्न आर्ट वर्क भी है।
ये लोग पेड़ों को भी एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से कट करते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये एक और कमरा है यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं एकदम टेरेस पे, एकदम ऊपर, एकदम कैसल के। अभी देखते हैं यहाँ से व्यूज़ कैसे हैं। तो ये एक साइड से सिटी दिख रही है और नीचे वो फेमस रिवर है टिबर। ये दूसरी साइड है, ये देखिए कितने सारे चर्चेज हैं। इसी टाइप के कुछ चर्चेज में हम कल गए थे, काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से। ये देखिए, ये तीसरी साइड है। तो हमने पूरा कैसल देख लिया, व्यूज़ तो बहुत ही बढ़िया थे। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो अभी हम खाने आए हैं कुछ, ये टू साइजेस करके यहाँ का तिरामिसु बहुत फेमस है, तो अभी यहीं चलते हैं और ये खाते हैं। तो ये लिया है हमने तिरामिसु, तो काफ़ी बढ़िया था। अब हम ढूंढ रहे हैं खाने वाने की जगह और कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो हमने बहुत टाइप के पिज़्ज़ा और पास्ता मंगाए हैं, अभी बस इसे खा रहे हैं। तो अभी हमने ट्रैम लिए, अभी ट्रैम लेके हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और फिर वहाँ से चलेंगे होटल। चलो जी, अब चलते हैं घर। हम पहुँच चुके हैं होटल और हमने थोड़ी देर बातें बातें की। अब हम चलते हैं सोने और कल हम करेंगे बहुत सारा और फन। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।